हम दे रहे हैं इसके अंदर बघार। तेल मैंने तकरीबन इसमें 1.5 पाव लिया है। ये हो गई हमारी चटनी रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके। हमने दोनों चीज़ों को डिश आउट कर दिया है। हमारी कड़ी पत्ते की चटनी टमाटर वाली बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई है, और कड़ी पत्ते की ही खट्टी दाल, ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह पाक आपको ढेरों नेमतों से नवाजे। आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं अपनी, बड़ी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ खट्टी दाल और खट्टे टमाटर, यानी कि कड़ी पत्ते वाली दाल और कड़ी पत्ती वाले ही टमाटर। तो हम पहले तैयार करते हैं अपनी दाल। कैसे बनेगी ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिए है 1.5 पाव मसूर की दाल। इसमें मसूर की दाल ही इस्तेमाल होती है खट्टी दाल में, तो मैंने ली है 1.5 पाव मसूर की दाल। इसको मैंने भीन लिया है, भीन के साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसको धो के पतीली में डालूंगी। दाल मैंने सारी पतीली में धो के डाल दी है, और इसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। दाल में पानी जाएगा थोड़ा ज़्यादा, मैंने 3 गिलास भर भर के पानी डाला है, क्योंकि ये दाल अमूमन और दाल के मुकाबले में थोड़ी पतली बनती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा अदरक लहसुन भर के 1 टेबल स्पून, हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन, और 2 टीस्पून के इसमें जाएंगे सुर्ख लाल मिर्च पाउडर पिसी हुई। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, ये मैंने हल्दी डाल दी है इसमें, और नमक जाएगा हसबे जायका। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे तेज़, और इसको देंगे एक जोश, ताकि इसमें जब खोल आ जाए तो फिर हम इसको कर देंगे स्लो, इसको पकने देंगे। दाल को मैंने पतीली में धो के डाल दिया था नाज़रीन, और मैंने डाली है इसके अंदर 2 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का, और जो है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। दाल में रखा है पानी ज़्यादा, क्योंकि ये दाल अमूमन पतली बनती है और दाल की तरह गाढ़ी नहीं होती। बाकी इसमें अभी कुछ नहीं जाएगा, इसको मैं लगी हूँ ढकने। चूल्हे की आँच को मैंने कर दिया है फुल। एक जोश आने के बाद इसको हल्का कर देंगे, और फिर ये पकती रहेगी। अच्छा, अब हमारी दूसरी जो डिश है वो है टमाटर, टमाटर की कड़ी पत्ते वाली चटनी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो टमाटर। उनको मैंने भाप लगा के उसका छिलका उतार के उसको इस तरह से कटिंग कर लिया है, ऐसे स्लाइसिस में, छोटे स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है इसको। इसका पानी भी मैंने ज़ाया नहीं किया है, वो मैंने रखा है जो टमाटर में से पानी निकलता है। टमाटर के बाद जो चीज़ें हमने इसके बघार के लिए ली हैं वो है गोला मिर्च 10 से 12 अदद, कड़ी पत्ता प्याली भर के, क्योंकि कड़ी पत्ते से ही इसका बघार लगेगा। ज़ीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून भरकर, 1 कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, नमक हसबे जायका। अब देखें हम किस तरह से इसका भगाड़ लगाते हैं, अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे हमने पहले ही कढ़ाई रख के इसकी तेल को गर्म कर लिया है, और हम इसमें देंगे सारी चीज़ों का भगार, जो भी हमने ली है लहसुन वगैरह सब चीज़ें बारी बारी करके हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले लहसुन, जो चॉप किया हुआ लहसुन है वो डाल रही हूँ। ये मैंने सारा लहसुन इसके अंदर डाल दिया है, इसको थोड़ा सा मैंने इसे चलाया। फिर इस पर डाली गोला मिर्च, एक कड़ी पत्ता सारा का सारा मैं इसमें डाल दूँगी जितना मैंने लिया है, और कलौंजी और ज़ीरा। इसका हम दे रहे हैं इसके अंदर बघार। तेल मैंने तकरीबन इसमें 1.5 पाव लिया है, क्योंकि तेल इसमें ज़रा ज़्यादा होता है, इस चटनी को रख कर खाया जाता है। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, इसलिए इसमें अचार की तरह से थोड़ा ऊपर तेल होता है, ताकि जो है हमारी चटनी ख़राब ना हो। ये देखें भगार हमने लगा दिया है इसके अंदर सारी चीज़ों का, गोला मिर्च, कड़ी पत्ता, लहसुन, कलौंजी, ज़ीरा,
इन सब चीज़ों का हमने भगार इसके अंदर लगा दिया है। अब हम इसको चला रहे हैं, ये थोड़ा सा सोते हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपने कटिंग किए हुए टमाटर। कड़ी पत्ते की खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है, आपको अगर फ्रेश कड़ी पत्ता मिल जाए तो आप ले लें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू ही और होती है। अगर नहीं अवेलेबल होता तो आप इसको घर में सुखा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोशिश मेरी ज़्यादा ये होती है कि मुझे फ्रेश मिल जाए। आज भी मैंने फ्रेश ही मंगवाया है। ये देखें, ये हमारा भगार ज़रा अच्छे से हो जाए तो फिर हम इसमें अपनी मज़ीद चीज़ें डालते हैं। ये चटनी माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, ये बहुत अच्छी लगती है। और जब घर में कुछ बनाने का दिल ना चाहे, थोड़ी सी निकालें, पैन में गरम करें और इसको रोटी के साथ आप खा सकते हैं। इसको खाने से भूख बढ़ जाती है, बल्कि बहुत अच्छी लगती है चटनी, खाने में बहुत टेस्टी होती है। कड़ी पत्ते की खुशबू, गोला मिर्ची की खुशबू, लहसुन, ज़ीरा, हर तमाम चीज़ों की खुशबू मिलकर इतनी अच्छी आ रही है, मेरा किचन महक रहा है माशाल्लाह से। दूसरे चूल्हे पर हमने चढ़ाई अपनी खट्टी दाल, वो बन रही है। साथ साथ हम दोनों चीज़ें तैयार करके आपको दिखाएंगे कि हम खट्टी दाल और ये टमाटर की कड़े पत्ती वाली चटनी किस तरह से तैयार होती है। ये देखें, सारे टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, फ्लेम कर दिए फुल, और इसको अब मैं इन चीज़ों के साथ मिक्स कर दूँगी। सारे टमाटरों को मिक्स करने के बाद अब हम इस पर मज़ीद जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो है हमारी कुटी हुई मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी, वो डाल दूंगी, और हरी मिर्च टमाटर डालने के बाद ही डालना है हमें। ये हम इस तरह से इसको चलाकर अच्छी तरह से छोड़ देंगे। अब इसको पकने देंगे दरमियानी आंच पर, आंच को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना है, बस दरमियानी रखनी है कि इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। इस चटनी में हमने पहले ही भगार लगा दिया है, बाद में किसी भी किस्म की भगार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। हमने इसमें हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दी है साथ ही टमाटर डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे हसबे ज़ायका नमक। नमक हर एक का टेस्ट अपना अपना होता है, तो जितना आपको इसमें डालना हो उतना आप डाल दें, और कोई मसला नहीं है। अगर कम भी हो जाए ना तो आप बाद में भी इसमें डाल सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको चलाऊंगी अच्छी तरह से ताकि नमक इसमें हल हो जाए, और मैं इसको दूँगी अब ढक्कन से मैं इसको कर दूंगी कवर। ये हमारी दरमियानी से थोड़ी तेज़ आंच पे हम इसको शुरू में बनाएंगे। ये हमारी चटनी स्टार्ट है, बन रही है। हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। हम आ गए अपनी दाल की तरफ। चटनी हमने रेडी करके ढककर छोड़ दी है। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं वो किस पोजीशन में है। देखें, ये अभी तो इसमें जोश भी नहीं आया है। जब इसमें जोश आता है तो फिर हम इसको स्लो आंच कर देंगे। हम चलते हैं अपनी चटनी देख लेते हैं। ये देखिए, पानी जो है टमाटरों का अभी है इसके अंदर, इसको चढ़ा देंगे ताकि नीचे लगे नहीं। चटनी हमारी बन रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चटनी हमारी खानी है, आज हम इसके लिए इतनी ही रखेंगे। इसको कर देंगे हम बंद, ढकना ढकेंगे। ढकना ढकने के बाद हम अपनी दाल देख लेते हैं। दाल में आ गया था खोल, हमने कर दी थी उसकी आंच हल्की आंच कर दी थी। ये देखें, ये पक रही है इस तरह से, हमारी दाल पक रही है। अच्छा, ये थोड़ी दानेदार ही रहेगी, बिल्कुल घुटी भी नहीं होती। मैं इसको कर दूँगी ढकना बंद, थोड़ी देर और मज़ीद बनाऊंगी। चटनी की फुल आंच कर दी है मैंने, फुल आंच करके इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब तक ये चटनी हमारी फ्राई हो रही है, हम चलते हैं दाल की तरफ और देखते हैं अपनी दाल के वो कहां तक पहुंची।
चटनी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और हम देखते हैं अपनी दाल, दाल हमारी कहाँ तक पहुँची। ये देखें ये दाल में माशाल्लाह से, ये देखें दाल हमारी पक रही है। ये देखें ये दाल हमारी ऐसी हो गई है, हमें ऐसी ही पतली दाल चाहिए और इतनी ही दानेदार। अब इस स्टेज पर आके दाल जब यहाँ तक हो जाए, पक जाए, तो हम इसमें डालेंगे अपनी इमली का पेस्ट। ये देखें ये इमली का पेस्ट है, मैंने प्याली भर के लिया है क्योंकि ये है खट्टी दाल, तो इसमें मैं ये सारा डाल दूंगी। मैंने सारा इमली का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है एक प्याली भर के। इसको पकाऊंगी 5 से 10 मिनट और पका के फिर इसमें मेरे बघाड़ लगाऊंगी। देखें चटनी हमारे माशाल्लाह से जो इसका आयल है वो ऊपर आ गया। आप घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है जो बाद में डाला है ना, मैंने इसमें इजाफी वो घी ही डाला है। अच्छा इसका आयल जो है ऊपर आ चुका है, अब हमने कर दिया इसकी आँच स्लो। ये स्लो आँच में बनेगी क्योंकि ये तकरीबन फ्राई हो चुकी है। हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ, दाल को देखते हैं कहाँ तक पहुँची। हमने इसमें डाली थी इमली और इमली के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा इमली मैंने इसमें मज़ीद और एक प्याली डाली है क्योंकि मुझे खट्टी कम लग रही थी। आप भी इस तरह से चख लिया करें क्योंकि हमें जितनी चीज़ें दरकार है उतनी ही हम डालें, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने इसमें 2 प्याली इमली डाली है। तब कहीं जाके ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। दाल है हमारी ये रेडी, अब हम इसमें लगाएंगे बघाड़। आइए देखते हैं फिर हम किस चीज़ का बघाड़ लगाते हैं। ये हमने रख दिया है अपना पैन दाल में बघाड़ लगाने के लिए और उसमें डाल दिया है घी। मैं तमाम दालों में घी का ही बघाड़ देती हूँ, तेल वगैरह का नहीं देती। तो मैंने इसमें अच्छा खासा अपने अंदाजे से घी डाल दिया है। अब इसमें जो हम बघाड़ लगाएंगे वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखें ये है हमारी गोला मिर्च 7 से 8 अदद, कड़ी पत्ता 1 चम्मच जो है टीस्पून, चाय वाला चम्मच हमने ज़ीरे का लिया है, और इस तरह से बारीक काटा हुआ 1 चम्मच लहसुन का ले लिया है हमने। लगाएंगे हम इन सब चीज़ों का बघाड़ दाल में। चले आइए चलते हैं। तेल घी हमारा गर्म हो चुका है, हम कर देंगे फ्लेम को स्लो, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और फिर डालते हैं इसमें सबसे पहले गोला मिर्च और कड़ी पत्ता। गोला मिर्च और कड़ी पत्ता पहले मैंने इसमें डाला है कि थोड़ा सा फ्राई हो जाए, और फिर इसके बाद डालूंगी लहसुन और ये ज़ीरा जो मैंने आपको दिखाया है, ये भी डाल दूंगी इसके अंदर। इसको हल्का सा पका के बघाड़ जितना मैं ले आऊँगी इसमें दाल में बघाड़ देने के लिए लगाऊंगी, ढक्कन को रखूंगी बंद और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालती जाऊंगी। मैंने लगा लिया इसमें बघाड़, खुशबुएं बड़ी अच्छी उठ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मैं कर दूंगी इसका ढक्कन बंद ताकि इसकी खुशबू बाहर ना जाए। दाल में हमारी बघाड़ लग चुका है, गोला मिर्च जीरा लहसुन और कड़ी पत्ते का, ये हमारी दाल हो चुकी है रेडी। इस तरह से हम इसको चला लेंगे, दाल हो गई हमारी रेडी, हमारी चटनी भी इंशाल्लाह रेडी है। हम इसको कर देंगे ढक्कन से बंद। अब देखते हैं हम अपनी चटनी, हमने सिलो आँच कर दी थी, ये देखें माशाल्लाह से रोगन इसका ऊपर आ चुका है, चटनी भी हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ आकर 1 टीस्पून गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला। और 2 हरी मिर्चें हैं मीडियम साइज़ की, ये मैंने इसको काट लिया है, ये डाल देंगे और इसको चला के मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और 2 हरी मिर्चें हैं मीडियम साइज़ की, ये मैंने इसको काट लिया है, ये डाल देंगे और इसको चला के मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। गरम मसाला और हरी मिर्चें कर लेंगे इसमें मिक्स।
ये हो गई हमारी चटनी रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके। ये देखें, हमने दोनों चीज़ों को डिश आउट कर दिया है। हमारी कड़ी पत्ते की चटनी टमाटर वाली बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई है, और कड़ी पत्ते की ही खट्टी दाल, ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अच्छे से कमेंट पास कीजिएगा, और अपनी मेज़बान को दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।